गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब और एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि RRC ग्रुप डी की फाइनली 3 साल के बाद एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। और खुशी हो भी क्यों ना, जो बच्चे पिछले 2-2.5 साल से इस एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो अभी ये खुशी के दिन ही हैं। इससे ज़्यादा मतलब मुझे भी बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि चलो, बच्चे मुझसे पूछे थे मैम एग्जाम कब होगा, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता था, लेकिन अभी फाइनली RRC ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है 17 अगस्त से। 17 अगस्त से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बच्चा ये एग्जामिनेशन पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, हो सकता है अक्टूबर तक भी चले। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, मल्टीपल फेजेस में होने वाले हैं। अब आपका किस फेज में, किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, तो उसका किस फेज में आने वाला है, वो उसके लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन का हमें इंतजार करना चाहिए। तब तक हम लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहिए, तब तक हमें इंतजार ही करते रहना चाहिए कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन में कब आता है, तो किस जोन का कब किस फेज में डालते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब NTPC का एग्जाम 7 फेज में कंप्लीट हुआ था, तो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन तो हम सोच सकते हैं कि 15 से मिनिमम 15 फेज तो होने वाले हैं। 15 फेज से कम क्या होंगी? बच्चा ज्यादा है पेपर देने वाला, 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर फॉर्म सबमिट किए गए थे। अब इसमें से मान लो आपके 30-40 लाख तो हट गए, लेकिन फिर भी बच्चा, अगर 70-80 लाख बच्चा भी पेपर देगा, तो आप समझ रहे हो तो कितनी फेज में करवाना पड़ेगा। तो आपका किस फेज में नंबर आता है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से तैयारी कीजिए कि भाई हमें 15 अगस्त तक हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट करके, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके छोड़ देना है, है ना। 2 दिन बढ़िया तरीके से माइंड को एकदम रेस्ट देंगे और 17 को अपना पेपर देंगे। हमें इस तरीके से तैयार रहना चाहिए। चलिए फिर, उन्हीं सब बच्चों के लिए आज की क्लास है RRC ग्रुप डी के लिए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ग्रुप डी में जो साइंस आती है 25 नंबर की, उस साइंस को आप बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि 25 नंबर बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हैं आप, 1 नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है। 25 नंबर कितना बड़ा होता है, आप खुद सोचिए। मैथ्स जिसकी अच्छी होती है वो रीजनिंग अच्छे कर लेता है, लेकिन साइंस 25 नंबर आप समझ नहीं रहे हैं आप, है ना, बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर, आज की क्लास में हम क्वेश्चंस हैं बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, और तीनों क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन डाले हैं, जिनको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का नाम दे रही हूं। और यकीन मानिए, लैंग्वेज थोड़ी चेंज होके आएगी, लेकिन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में वही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी कमर कस लो बढ़िया से पॉजिटिविटी के साथ। इतने दिन बहुत नेगेटिविटी थी आप लोगों में, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत कि मैम एग्जाम होगा नहीं होगा, पढ़े नहीं पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फाइनली लेकिन एक डेट मिल गई है 17 अगस्त, तो अब आपको आपका 100% देना है, और इस 100% की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। और आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले बता दूं, हमारा एक मेरिट बैच भी आया है, जिसमें हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें साइंस वाला पार्ट मैं और अनुराग सर लेंगे, DP सर मैथ्स लेंगे। मैथ्स तो आप छुपे नहीं हुए होंगे, लाखों बच्चे पढ़े हैं DP सर से यूथ के बैच में, और साथ में बच्चे DP सर इस तरीके से क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ करवाना बताते हैं, जिससे आपका टाइम भी बहुत बचता है। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ाई करेगा, मुझे ना उन बच्चों से बिल्कुल नफरत है जो आके क्लास में क्लास का माहौल खराब करते हैं। टेक्निकल टीम ध्यान से सुन लो, अगर कोई बच्चा क्लास में आके माहौल खराब करता है, तुरंत उसे ब्लॉक कर दो वहां से, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे चाहिए मुझे, सिर्फ पढ़ाई करने पे ध्यान दो, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, 40 दिन बचे हैं ये मान लो आपको। 40 में से 10 दिन तो इंसान वैसे ही निकाल देता है, कोई बीच में फंक्शन आ गया, बीमार हो गया, हारी बीमारी होगी, छोड़ दो, 1 महीना है आपके पास। आओ फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि द एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा इज, वह एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार करती है। अब सबसे पहले प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा को हिंदी मीडियम में आप अपरा भी कहते हैं, तो वो कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को पार कर देती है? प्लेसेंटा कहाँ बनती है? माँ और बच्चे के बीच में, इस तरीके से पूरा एक पाइप जैसा नाल बनता है, यहाँ पर आपके चाइल्ड हो गया, तो माँ और बच्चे के बीच में ये जो मेम्ब्रेन बनी है, इसी को प्लेसेंटा या इसी को हम अपरा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ अपने बच्चे को खाना पानी न्यूट्रिशन ग्लूकोज ऑक्सीजन सब कुछ ट्रांसफर करता है। तो बच्चा, माँ अपने बच्चे को कौन सी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके यहाँ से माँ से बच्चे में जा सकती है? अच्छा क्वेश्चन है ना।
सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रतिरक्षी क्या होती है। बच्चा आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या कोई एंटीजन आता है जो हमें बीमारी करने आता है, उस एंटीजन को कॉपर शटअप। तो बाहर से जो भी कोई एंटीजन आता है या बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं जो हमें इंफेक्शन करने आता है, बीमारी करने आता है, उसको मारने का काम, उस इंफेक्शन से लड़ाई करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। ये एंटीबॉडीज किसके बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इसलिए इनका IG नाम है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में टोटल कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है, 5 टाइप की। देखो कौन कौन सी, एक एंटीबॉडी ए है, एक डी है, एक जी है, एक ई है और एक होता है IgM। ये टोटल 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। इनके बारे में, सबके बारे में एक एक पॉइंट नोट करवाऊंगी, वही क्वेश्चन आएगा, आया तो यहीं से आएगा, ये मेरे से लिख लो। अब सुनो क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, इस प्लेसेंटा को, इस अपरा को पार करके कौन सा एंटीबॉडी है जो आ सकता है मां से बच्चे में। क्वेश्चन का आंसर होगा यहां पर IgG। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, IgG, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, जो एंटीबॉडी जी है, वो मां की प्लेसेंटा, मां और बच्चे के बीच में जो प्लेसेंटा है उसको पार करके आ सकता है। क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, अपनी नोटबुक में लिख दो कि जो IgG होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मां से बच्चे में एंटर कर जाता है, हो गया। अब आओ बाकी सबके बारे में बात करते हैं। ये जो IgA होता है, ये जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है, ये जब आपकी प्रतिरक्षी होती है, जो एंटीबॉडी होती है, ये मां के दूध में पाई जाती है। ये किसमें, मां के दूध में। आप जानते हैं डॉक्टर कहता है 6 महीने तक मां को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि मां के दूध में एंटीबॉडी भी है, मां के दूध में बाकी सब न्यूट्रिएंट अच्छे से पाए जाते हैं। तो मां के दूध के अंदर अगर पूछ लिया तो कौन सा एंटीबॉडी, IgA, अच्छे से सुन लेना। IgD की जब बात करते हो तो बच्चा ये IgD क्या करती है, ये हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। लिम्फोसाइट को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, एक्टिव करती है। और जैसे लिम्फोसाइट एक्टिव होगा, लिम्फोसाइट ही तो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। बताओ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एंटीबॉडीज कौन बनाता है, क्या करके आओगे, लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने वाली, लिम्फोसाइट को प्रमोट करने वाली कि तुम और ज्यादा एंटीबॉडी बनाओ, वो कौन सा एंटीबॉडी होता है, वो IgD होता है। और IgG आपके क्वेश्चन का आंसर है, प्लेसेंटा को पार करके मां से बच्चे में आ जाती है। अगला है IgE, बच्चा ये एलर्जी के समय काम करती है। जब भी आपको किसी भी चीज से एलर्जी होता है तो उस समय IgE जो एंटीबॉडी होता है वो काम करता है। और इसके साथ जब IgM की बात करते हैं तो ये तब बनती है जब बाहर से कोई एंटीजन आता है। IgM जब बनता है, जब बाहर से कोई एंटीजन आता है, एंटीजन आता है। तो सबके बारे में नोट करके कॉपी में छोड़ दो, पूरा पोस्टमार्टम कर दिए मैंने इस क्वेश्चन का, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन के इसके ऑप्शन नहीं बन सकते थे। मैंने कहा एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, या ग्लाइकोप्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट बनाती हैं। एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं। ये इंफेक्शन, संक्रमण को मार के गिराने का काम करती हैं। IgA मां के दूध में होती है। IgD लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है ताकि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी बनाए। IgG प्लेसेंटा को पार करके मां से बच्चे में आ गई। IgE एलर्जी के समय एक्टिवेट होती है। IgM जब बाहर से कोई एंटीजन आता है तब IgM बनता है। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलूं। हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेंड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड। मुझे पता है ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है या ये आपका थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है ना, हाँ, या ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन साइंस में क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, है ना। तो जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है मैम। क्वेश्चन मैम 3 पता था, 2 नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नाइस क्वेश्चन मिस्टर चेन कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पता था इसलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ।
नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि जब लैम्डा फेज, लैम्डा फेज क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, लैम्डा फेज एक बैक्टीरियो फेज होता है, और बैक्टीरियो फेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, जो बैक्टीरिया को मार गिराते हैं। बैक्टीरियो, बैक्टीरिया फेज का मतलब होता है किल करना, मार करना, मार देना। बैक्टीरियो फेज क्या है, एक टाइप का वायरस है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ये एक टाइप का विषाणु होता है, एक टाइप का वायरस होता है। कभी बैक्टीरिया लगाओ तो बैक्टीरिया करके आ जाओगे, गलत है, ठीक है। लैम्डा फेज एक टाइप का बैक्टीरियो फेज वायरस है। जब आपने इसका संकरण कराया, जब आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। अब आप बोलोगे ये प्लाज्मिड क्या होता है, बहुत बार ग्रुप डी में, ग्रुप डी छोड़ो यार, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्लाज्मिड से कभी क्वेश्चन ना आया हुआ। प्लाज्मिड क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया की सेल के अंदर, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ डीएनए, एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ क्रोमोजोम, किसी भी जीवाणु की कोशिका में एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र या एक्स्ट्रा पड़ा हुआ डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपने लैम्डा फेज बैक्टीरियो फेज वायरस का हाइब्रिडाइजेशन करवाया, किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, संकरण का मतलब होता है कुछ हिस्सा इसका लिया, कुछ हिस्सा इसका लिया, तो इन दोनों के संकरण से क्या बना। तो बच्चा नोटबुक में लिख लो कि जब आप लैम्डा फेज बैक्टीरियो फेज विषाणु का संकरण करवाते हैं प्लाज्मिड के साथ, तो बच्चा बनता है कॉस्मिड। क्या बनता है, कॉस्मिड बनता है, क्या बनता है, कॉस्मिड बनता है। तो अब आपसे क्वेश्चन या तो ऐसा पूछेगा या पूछेगा कॉस्मिड कब बना। तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है कि जब आपने लैम्डा फेज बैक्टीरियो फेज यानी कि इस विषाणु का हल्का सा पार्ट लिया और इसके प्लाज्मिड का भी आधा पार्ट लिया, तो हमें कॉस्मिड नामक एक नया जेनेटिक मटेरियल मिल गया, एक नया अनुवांशिक पदार्थ मिल गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलूं, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना एक केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और बच्चा ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनाते हैं, वो अपना खाना, खाना बोले तो ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस सेल के किस हिस्से में होता है, प्लांट की लीफ में। प्लांट का जो पत्ता है, इस पत्ते के अंदर जो सेल होती है, उस सेल के अंदर होता है एक सेल ऑर्गनली, एक कोशिकांग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसे हरित लवक कहा जाता है, हरे रंग वाले लवक कहा जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा सा होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे छल्ले जैसी, ऐसे सिक्के कॉइन होते हैं, इनके जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेना, इसे क्या कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना भाग कहते हैं। और इसमें से एक मैंने सिक्का निकाल के अलग कर दिया तो इसे थैलेकोइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, थैलेकोइड कहा जाता है। और इसी थैलेकोइड में पाए जाते हैं क्या, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। और बच्चों सुना है ना, प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो सोचो कितना डीप क्वेश्चन है, सोच रहे कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है क्या। एक बार फिर से सुनो, जब कभी भी आए कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो ऑप्शन में थैलेकोइड को ढूंढ के टिक मार के आ जाना फटाक से, ठीक है। ये थैलेकोइड कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसकी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, और उस हरित लवक में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उन्हें ग्रेना कहा जाता है, और इन स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। और बच्चा जब इस एक छल्ले को उठाकर ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो इसे थैलेकोइड कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। या तो पूछ ले द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, तो ऑप्शन में थैलेकोइड करके आ जाना। किस कोशिकांग में
होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्या चाहिए? क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, कोई बड़ा इतना महान क्वेश्चन नहीं है कि समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से आंसर दे दो। पोलिनेशन इज फाउंड इन वेलिसिनेरिया प्लांट। वेलिसिनेरिया एक प्लांट होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। ट्रिक दे दी मैंने आपको। वेलिसिनेरिया प्लांट होता है जो कहां पर, जो पानी के अंदर रहता है, और इसके अंदर जो पोलिनेशन होता है, इसके अंदर जो परागण होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले पोलिनेशन होता क्या है, जो मेल फ्लावर होता है उसके पोलन ग्रेन का फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे पोलिनेशन या परागण कहा जाता है। और ये परागण जो मेल पार्ट वाले होते हैं उनको फीमेल तक पहुंचने के लिए बहुत सारा मीडियम चाहिए होता है। कभी कभी ये पानी के थ्रू आ जाते हैं, कभी कभी बारिश की बूंद के थ्रू आ जाते हैं, कभी कभी इंसेक्ट के थ्रू आ जाते हैं, कभी कभी तेज हवा चली तो मेल पार्ट से उड़कर फीमेल पार्ट तक आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है वेलिसिनेरिया प्लांट होता है जो पानी के अंदर रहता है, तो बच्चा उसके अंदर पोलिनेशन किसके थ्रू होता है। पोलिनेशन किसी कीड़े के थ्रू हो सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू, किसी बटरफ्लाई तितली के थ्रू हो सकता है, मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है, भंवरे के द्वारा हो सकता है, या बारिश की बूंदों से या हवा से, किसी से भी हो सकता है। तो बच्चा वेलिसिनेरिया प्लांट पानी में रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट पानी में रहते हैं उनमें पोलिनेशन पानी के थ्रू होता है। नो, ये कहीं नहीं लिखा है ऐसा स्टेटमेंट। सारे प्लांट में पोलिनेशन पानी से होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वेलिसिनेरिया प्लांट है उसमें बच्चा पोलिनेशन कैसा होता है, वॉटर पोलिनेशन, उसमें जल के द्वारा परागण होता है। और जरा फटाक से कमेंट सेक्शन में टाइप करो, ऐसा पोलिनेशन जो पानी की सहायता से होता है उसे क्या कहा जाता है। ऐसा पोलिनेशन जो पानी की सहायता से होता है उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। जो बर्ड्स के थ्रू होता है, पक्षियों के थ्रू होता है, उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ठीक है, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। इंसेक्ट कीड़े के थ्रू होता है, किसी तितली, किसी कोई इंसेक्ट, कोई भी हो सकता है, मच्छर, कीड़ा, मधुमक्खी, कुछ भी हो सकता है, तो उसे कहा जाता है एंटेमोफिली, एंटेमोफिली कहा जाता है। और एयर वाला आप लोग बताओ, हवा के द्वारा हुआ तो उसे क्या कहेंगे, ये आप बताओ। कितने क्वेश्चन बन गए। मैंने कहा वेलिसिनेरिया प्लांट में पोलिनेशन पानी की सहायता से होता है, और पानी की सहायता से होने वाले परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। इंसेक्ट कीटों की सहायता से होने वाला एंटेमोफिली, और बर्ड्स की सहायता से, पक्षियों की सहायता से होने वाला ऑर्निथोफिली कहलाता है। और बच्चा मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि आपका हवा के द्वारा होने वाला पोलिनेशन क्या कहलाता है, ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको ये बता देती हूँ सबसे ज्यादा पोलिनेशन किसकी हेल्प से होता है। सबसे ज्यादा पोलिनेशन होता है इंसेक्ट्स की हेल्प से, सबसे ज्यादा कीटों के, कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से, कीटों के माध्यम से। और बच्चा सबसे ज्यादा कौन से कीट, जो हनी बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, उसकी सहायता से सबसे ज्यादा प्लांट में पोलिनेशन होता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया ना, अच्छा ये कह रहे विंड की सहायता से विंड फिली हो गया, अच्छा जी बहुत बड़े, बहुत शाबाश, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। हवा की सहायता से होने वाला विंड फिली, विंड देख ले तो विंड फिली हो गया, नहीं, याद रखिएगा इंसेक्ट की सहायता से सबसे ज्यादा पोलिनेशन होता है, और इंसेक्ट में कौन सा, जो मधुमक्खियां होती हैं, जो हनी बीज होती हैं, उनकी हेल्प से होता है। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, वाटर पोलिनेशन कर दोगे, मुझे आप लोगों पे विश्वास है। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगेन बहुत शानदार क्वेश्चन, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन है अगला। कह रहा है विच बैक्टीरिया वर जीन ट्रांसफर्ड इन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में किस बैक्टीरिया की जीन को ट्रांसफर किया गया था। बीटी कॉटन की बैक्टीरिया, बीटी कॉटन में किस बैक्टीरिया के जीन को ट्रांसफर किया गया था। पहले तो बैक्टीरिया बताओ, फिर बताओ कौन सा जीन और क्यों किया, भाई क्यों किया। चलो बताते हैं आपको। देखो कपास, कॉटन का जो पेड़ था उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट बैठ रहे थे और उस पेड़ को खा जा रहे थे, और उससे कपास की क्वालिटी बहुत खराब हो जा रही थी, उससे अच्छे से कपास नहीं बन पा रहा था। तब क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, किया जीएम। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया एक, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। अब क्या किया, इस कॉटन में एक बैक्टीरिया का जीन डाल दिया।
कॉटन में, कॉटन का जो प्लांट है उसके अंदर किसका जीन डाल दिया? बीटी का। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताएंगे? बेसिलस थुरैनोजेनेसिस। बीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस थुरैनोजेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक जीवाणु है। इस जीवाणु का एक जीन निकाला जिस जीन को बोलते हैं क्राई जीन। कौन सा जीन बच्चा? क्राई जीन। ऐसे भी तो आ सकता है कौन सा जीन निकाला। तो बेसिलस थुरैनोजेनेसिस एक जीवाणु था, उसका क्राई जीन निकाला और निकाल के किसमें? कॉटन के प्लांट में लगा दिया। और जैसे ही कॉटन के प्लांट में लगाया तो कॉटन के प्लांट से एक टॉक्सिक केमिकल निकला, एक जहरीला केमिकल निकला। और ये जहरीला केमिकल जैसे ही इस प्लांट के ऊपर कोई कीट आता, कोई इंसेक्ट आता, उसकी आंतों में जाता और उसकी आंतों में जाकर वहां पर उसकी आंतों का पीएच जो है वो बहुत ज्यादा क्षारीय कर देता, जिसके कारण उसकी आंतों में घाव पड़ जाते और वो इंसेक्ट मर जाता, मर जाता या अगली बार तो वो कॉटन के प्लांट पे नहीं बैठेगा। तो बच्चा एक बार फिर से सुन लो, मैंने कहा कि बीटी कॉटन, कॉटन के प्लांट पे बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे थे जो कॉटन के प्लांट को खराब कर रहे थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया, इस बैक्टीरिया के जीन को निकाला, निकाल के कपास के प्लांट में लगाया। तो कपास के प्लांट से एक टॉक्सिन निकल रहा था, एक जहरीला केमिकल निकल रहा था। अब इस कपास के प्लांट को खाया किसी इंसेक्ट ने, तो उसकी आंतों में ये टॉक्सिन जाकर क्या कर रहा था, उसकी आंतों में घाव डाल रहा था। और उस घाव से क्या हो रहा था, अरे बदतमीज, उस घाव से वो इंसेक्ट क्या हो रहा था, मर जा रहा था या वो इंसेक्ट घायल हो जा रहा था। तो ऐसी क्रॉप को बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है। कौन सा जीन? क्राई जीन। किसका? बेसिलस थुरैनोजेनेसिस का। किसमें? कॉटन के प्लांट में। इसलिए तो इसका नाम बीटी पड़ गया, बीटी पड़ गया। समझ में आ गया होगा, मुझे आगे चलना चाहिए, ठीक है, मुझे आगे चलना चाहिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बच्चा जब कभी भी गुणसूत्रों की ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी का मतलब होता है तीन, जोड़े का, पेयर का मतलब होता है दो। आप हमेशा जानते हैं, एक बात जानते होंगे, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं। जैसे हमारी बात करूं, हम लोगों में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? हम लोगों में होते हैं बच्चा 23 पेयर्स, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं लड़कों के अंदर, मेल बॉडी में कैसे होंगे, 22 पेयर तो सेम है, 22 पेयर का मतलब 44 प्लस एक्स वाई, ये लड़कों के क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल्स के, लड़कियों के क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स। तो बच्चा क्रोमोसोम ना जोड़ियों में होते हैं, जैसे 12वां जोड़ी क्रोमोसोम, 13वां जोड़ी क्रोमोसोम, 21वां जोड़ी क्रोमोसोम, 23वां जोड़ी क्रोमोसोम, है ना। तो क्या होता है, जब किसी मेल बॉडी के क्रोमोसोम में, एक नॉर्मल मेल के क्रोमोसोम ऐसे हैं और यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, किसी भी लड़के के क्रोमोसोम में ये जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है, 22 जोड़ी तो ये सेम है ना, 44 का मतलब कितना हो गया, 22 जोड़ी हो गया ना, तो 22 जोड़ी तो सेम है, 23वां जोड़ा कौन सा है लड़कों का, एक्स वाई। इस एक्स वाई के साथ एक एक्स और आके जुड़ जाए तो इसे कहेंगे 23वें जोड़ी की ट्राइसोमी हो गई। ट्राइसोमी का मतलब क्रोमोसोम होने चाहिए थे दो, लेकिन एक और आके जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे त्रिगुणिता, तीन क्रोमोसोम हो गए। और जब जब क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, टोटल काउंट करो कितने हो गए, 44, 45, 46, 47, और क्रोमोसोम होने कितने चाहिए थे, 46 होने कितने चाहिए थे, 46 होने चाहिए था। तो जब किसी मेल बॉडी के 23 नंबर पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए, तीन क्रोमोसोम हो जाए, एक एक्स एक्स्ट्रा आके जुड़ जाए, तो बच्चा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसे क्या कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर कैसे होगा, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां कितने बन जाएंगे, 47 बन जाएंगे। कैसे, 47। तो ये एक्स लड़कियों वाले कैरेक्टर लेके आएगा, लड़का पहले था। और ऐसे जो बेबीज पैदा होते हैं उन्हें हम ट्रांसजेंडर बेबीज कहते हैं, उन्हें हम किन्नर बेबीज कहते हैं। ठीक है बच्चा, समझ गए होंगे शायद आप कि कौन से, जब डिसऑर्डर कहाँ हुआ,
ट्राइसोमी एक्स क्रोमोसोम की हो गई, भाई एक्स क्रोमोसोम की तो हुई, एक्स आके ऐड हुआ ना, तो क्या कहते हैं उसे, उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, ऐसे ही एक होता है डाउन सिंड्रोम। आप लोग बताओ डाउन सिंड्रोम में कौन से पेयर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, कौन होशियार बच्चा बताएगा मुझे। जल्दी से फटाक से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कि जिसने लाइक नहीं किया मैं बार बार नहीं बोलूंगी, जल्दी से फटाक से, हाँ जी फटाक से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन बच्चों को जिन बच्चों को बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी साइंस में। आ जाओ अब रिविजन हो रहा है आपका, ये थ्योरी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ चुके हैं, रिविजन करने का टाइम है। फटाक से वीडियो को शेयर करो, लाइक भी कर दो, है ना। आओ यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44XXY 23वें जोड़े क्रोमोसोम के ट्राइसोमी हो जाती है। अब बताओ डाउन सिंड्रोम में किसकी होती है, शाबाश, जो जो 21 लिख रहा है वो उन सबको मेरी तरफ से शाबाशी है। 21वें क्रोमोसोम की, जब 21वां पेयर है, 21वां जोड़ी क्रोमोसोम है, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है, उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, राइट। चलो आ जाओ फटाक से क्वेश्चन नंबर 7 पे, सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, एक घंटे के अंदर, आधा घंटा हो चुका है, अब एक घंटा लगे दो घंटा लगे क्वेश्चन तो करेंगे सारे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट। केमिस्ट्री आ गया, आप केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, ईवीएस भी आएगा, बायोटेक्नोलॉजी भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, सब आएगा, बस सब आएगा, सब पढ़ेंगे। ये हमारे कोपर राजा ने बहुत परेशान कर दिया, एक मिनट का टाइम दो, तुम क्वेश्चन पढ़ो, मैं इसको थोड़ा बाहर करके। बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ग्रुप डी में आएंगे, तो फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया। सुनो क्या कह रहा है, बेसिक सॉल्ट ढूंढना है आपको। अब बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब है ऐसा सॉल्ट जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा और 14 से कम है। अब जानते होंगे ना इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बच्चा, एसिड का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 0-7 हो, 7 से ऊपर 14 से नीचे है वो बेसिक है, वो अल्कलाइन नेचर का, क्षारीय नेचर का है। सोल्ट कैसे बनते हैं, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, पहले ये सुन लेना बहुत ध्यान से, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के मुझे ये टुच्चे वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे बताने वाले, समझ गई। चाहे क्वेश्चन पढ़ाऊं कम लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा सा रटवा के जाऊंगी आपको। सुनो, जब किसी एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ करवाते हैं, किसी अम्ल की रिएक्शन आपने क्षार से करवाई, तो आपसे सॉल्ट और पानी बनता है, ये बात सब जानते हैं। अब सुनो, जब आपने एसिड रख लिया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या ले लिया, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को हिंदी बोलेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है, और आपने वीक एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, दुर्बल क्षार ले लिया, तो भाई स्ट्रॉन्ग किसको रखा है, एसिड को, तो यहां से जो सोल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, वो नेचर में एसिडिक होगा, वो अम्लीय होगा, ठीक है। अगर आपने इस बार वीक कर दिया एसिड, एसिड क्या कर लिया, दुर्बल कर लिया, सोल्ट ये आपका बेस क्या कर दिया आपने, स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो इस बार स्ट्रॉन्ग क्या रखा है, बेस, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7-14 के बीच का, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा, ये अल्कलाइन नेचर का होगा। अब आपने दोनों स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ना, तो ऐसा सोल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, और 7 पीएच वैल्यू वाला उदासीन होता है। आप जानते हैं जो आप घर में नमक खाते हैं वो उदासीन होता है, अगर नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, हमसे पूछा बेसिक सॉल्ट, अब बताओ बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब आप कमजोर एसिड लेंगे, दुर्बल अम्ल लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तब तो बेसिक बनेगा ना, तभी तो ऐसा नमक बनेगा जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा, तभी बनेगा ना। तो बच्चा अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो होता है ना Na3CO3, ठीक है, ये कैसे बनता है, जब आपने CH3COOH, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, और जब आपने एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाई, किसके साथ करवाई, तो आप बताएंगे बच्चा, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक प्रबल क्षार है, और ये एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड, जैसे
एसिटिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड ये वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, H2SO4। तो अब यहां से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, यहां से जो सॉल्ट बनेगा वो बनना चाहिए मैम बेसिक नेचर का Na2CO3 प्लस H2O बनेगा यहां से। तो ये जो आपका है ना ये क्या हो जाएगा बच्चा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जो स्ट्रॉन्ग रखोगे सॉल्ट वैसा ही बन जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रखा तो वो उसका पीएच वैल्यू कम होगा, वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो बेस स्ट्रॉन्ग करने से बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। दोनों को बराबर रखोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन, देखो कहां से आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट के साथ, इसकी थ्योरी पढ़ो आप, है ना, घबरा जाओगे पढ़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर बाय ए विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। एक ऐसा बच्चा है जो आंखों से देख नहीं सकता, तो उसको आप कौन सी चीज दोगे जिससे वो पता लगा के बता देगा कि अम्ल और क्षार का ये सूचक है, इंडिकेटर है। आप जानते हैं बच्चा जैसे लिटमस पेपर है, अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डाला तो वो रेड हो जाता है, रेड पे डाला बेस तो वो ब्लू हो जाता है। तो भाई ये दिख थोड़ी रहे, वो बच्चा तो क्या है, उसको दिख नहीं सकता आंखों से, वो बच्चा आंखों से देख नहीं सकता। तो अब इसमें लिटमस थोड़ी काम में लेगा जो बच्चा आंखों से देख नहीं सकता, उसको थोड़ी पता है। क्वेश्चन पढ़ो ना, वो कह रहा है दृष्टि बाधित, मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता आंखों से, उसको अगर आपने लिटमस पेपर पकड़ा दिया तो बता देगा क्या आपको कि ये ब्लू आपने एसिडिक डाला ये बेसिक डाला, नहीं बता सकता ना। दूसरा है टर्मरिक, हल्दी, हल्दी पे आप क्या करते हो, हल्दी के ऊपर जब आप एसिडिक चीज डालते हो तो हल्दी येलो ही रहता है, लेकिन अगर आपने हल्दी पे कोई बेसिक चीज लगा दी तो हल्दी जो होता है ना वो रेड कलर का हो जाता है, वो लाल रंग के धब्बे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप कपड़े में खाना वाना खाते हैं हल्दी गिर जाता है, मम्मी कपड़े धोने के साबुन से या सर्फ से धो देती है वो लाल पड़ जाता है, क्योंकि कपड़े धोने का साबुन और सर्फ में क्या होता है बच्चा, उसके अंदर बेस होता है, ठीक है। ऐसे ही वनीला, वनीला के कुछ लिक्विड आते हैं या एसेंस आते हैं वनीला के ऊपर, वनीला आप जानती है ना फ्लेवर आते हैं, तो अगर आपने वनीला के ऊपर एसिड डाला तो बच्चा इसकी जो स्मेल है ना वो सेम रहती है, सेम रहेगी। वनीला की जो स्मेल है वो तो पहचान हो ही सकती है ना, वो सेम रहती है, लेकिन अगर आपने वनीला के ऊपर बेस डाल दिया तो बच्चा इसकी स्मेल गायब हो जाती है, स्मेल लॉस हो जाएगा। अब वो बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सूंघ तो सकता है ना, तो वो सूंघ के बता देगा, वो सूंघ के बता देगा कि भाई आपने अगर उसको ऐसा वनीला दिया जिसके अंदर स्मेल ही नहीं आ रही तो आपने कौन सा सोल्यूशन डाला है, क्षारीय डाला है। अगर वनीला की स्मेल आ रही है आपने कुछ डाला है तो एसिडिक डाला है, तो वो बच्चा सूंघ के बता देगा। देख जिनको दिखता नहीं है वो सूंघ तो सकते हैं ना। ऐसे ही प्याज होते हैं ना, प्याज, प्याज के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो प्याज जैसा है वैसा ही रहेगा उसका स्मेल, लेकिन जैसे ही आपने प्याज के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया प्याज की स्मेल गायब हो जाएगी। तो ये प्याज, ये वनीला, ये स्मेल से पहचान करवाते हैं इंडिकेटर्स की। तो याद रखिएगा बच्चा, अगर कोई बच्चा नहीं देख सकता आंखों से तो वनीला के जो सॉल्यूशन आते हैं उससे वो बता सकता है, सूंघ कर बता सकता है। बाकी ये सारी चीजें इंडिकेटर के रूप में काम में ली जाती है, लेकिन जो बच्चा नहीं देख सकता उसको तो ऐसे ही होगा ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटोमिक मॉडल्स हैव बीन इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स, अरेंज द फॉलोइंग अटोमिक मॉडल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई कह रहा है कि बहुत समय समय पर एटॉमिक मॉडल सबने आकर दिए, परमाणु सिद्धांत सबने आकर दिया। आप जानते हैं सबसे पहले आए थे आपके जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने तो क्या कहा था कि ब्रह्मांड के अंदर एटम वो सबसे छोटा पार्ट है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, हालांकि ये बात उनकी गलत हो गई थी। अब जॉन डाल्टन के बाद कौन आए थे, थॉमसन जी आए थे। थॉमसन ने एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद है ना आपको, इन्होंने कहा था कि परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद आए थे आपके कौन, रदरफोर्ड जी। रदरफोर्ड जी ने कहा कि एटम के अंदर बीचों बीच क्या होता है, एटम के अंदर उस एटम का मास सेंटर में होता है, उसका द्रव्यमान सेंटर में होता है। और दूसरी बात आप जानते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन जी आए, उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है, इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो बात गलत हो गई थी। उसके बाद थॉमसन जी आए, उन्होंने कहा परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव आवेश भी होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद आए रदरफोर्ड जी, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर बीच में उसका मास होता है और जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, बीच में उसका न्यूक्लियस नाभिक होता है।
उसके बाद आए बोहर ने दिया अपना एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरीके से बाहर अपने ऑर्बिट में लगातार चक्कर काटता रहता है, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से एक डेफिनेट पाथ पे सारा दिन रिवॉल्व होते रहते हैं, सारा दिन चक्कर काटते रहते हैं इस तरीके से। ये बात किसने बताई थी? बोहर ने बताई। तो सबसे पहले कौन आए? डॉल्टन, फिर थॉमसन जी, उसके बाद कौन आए बच्चा? उसके बाद आए आपके रदरफोर्ड जी, उसके बाद आए नील्स बोर। अब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लो। डॉल्टन तो है नहीं ऑप्शन में, तो कौन है? एक नंबर पे थॉमसन, थॉमसन दो नंबर पे है, तो दो नंबर पे कौन सा होएगा? ये दो नंबर वाला, ये वाला ऑप्शन लेकर चलेंगे। एक नंबर पे ये हो गया और दो नंबर पे ये हो गया, तीन नंबर पे ये हो गया, तो लगा दो 2 1 3, तो 2 1 3 तीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से कौन बचाता है? आप जानते हैं हमारे हार्ट में इस तरीके से वॉल्व होते हैं, हमारे हार्ट में क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं इस तरीके से, और ये वॉल्व क्या करते हैं, जैसे ही खुलते हैं तो ऊपर का खून नीचे की तरफ आ जाता है, और जैसे ही नीचे वाले भर गए वेंट्रिकल तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। अगर ये वॉल्व बंद नहीं होंगे तो अगर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये खून वापिस ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? आप खुद सोचो, खून का बैकफ्लो नहीं हो जाएगा क्या? तो खून के विपरीत दिशा में, खून को विपरीत दिशा में जाने से कौन रोकता है? वाल्व, कपाट रोकते हैं, ये दरवाजे रोकते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व रोकते हैं, ये ब्लड को डायरेक्शन देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए ना, रक्त को दिशा कौन प्रदान करता है, ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? वाल्व देते हैं। या क्वेश्चन ऐसे आए कि ब्लड को बैकफ्लो जाने में कौन रोकता है, ब्लड को वापिस उसकी विपरीत दिशा में जाने से कौन रोकता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा बच्चा? तब भी आपका आंसर होगा वाल्व। तो हमारे हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं वो ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, बचाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। नहीं, इधर से तो बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं हो रही है। हाँ, वॉल्व को हिंदी में कपाट कहते हैं, बहुत सही। वॉइस कट रही है, वॉइस बस कल अपना माइक चेंज हो जाएगा, पुराना माइक वापस आ जाएगा, वो थोड़ा ठीक होने गया है। अगर कट रही है तो आपकी थोड़ी बहुत कल तक ठीक हो जाएगी, इतनी भी नहीं कट रही होगी, एडजस्ट कर लो यार। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो फटाक से। आंसर करो फटाक से, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतने बच्चे देख रहे हैं, उतने लाइक हो गए हैं क्या? अच्छा, लाइक तो यार बहुत ज्यादा हो रखे हैं, ये कैसे हो गया बच्चे? कब लाइक ज्यादा? एक बच्चा दो बार लाइक कर रहा है क्या है? चलो आओ, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग व्हेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्युमुलेट्स इन द ब्लड। अगर आपके खून के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो जाए, इसका मतलब आपका कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है? नाइट्रोजन युक्त ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, जैसे आपका अमोनिया NH3, जैसे क्रिएटिनाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होता है। और ये सब किसके फॉर्म में बाहर निकलते हैं? ये सब यूरिन के फॉर्म में, मूत्र पेशाब के फॉर्म में आप बाहर निकालते हो। और बताओ पेशाब कौन बनाता है? पेशाब बनाते हैं किडनी, आपके वृक्क, आपके गुर्दे। तो अगर आपके खून के अंदर यूरिया ज्यादा अभी भी पड़ा है, यूरिक एसिड पड़ा है या अमोनिया पड़ा है, इसका मतलब आपके किडनी खराब हो चुके हैं, इसका मतलब आपके गुर्दे खराब हो चुके हैं, आपके गुर्दे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ये सब होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और इस वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? आपके किडनी, आपके गुर्दे। तो अगर ये आपके खून के अंदर ज्यादा हैं तो मान लीजिए आपके गुर्दे खराब हो गए हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लड क्लोटिंग डज नॉट अकर इन द ब्लड वेसल्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके खून, आप जानते हैं एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, नसों में खून दौड़ता रहता है। बिल्कुल सही बात है, खून आपका रक्त वाहिकाओं में दौड़ रहा है। जब तक खून दौड़ रहा है
आप दौड़ रहे हो, जिस दिन खून ने दौड़ना बंद कर दिया आप भी बंद हो जाओगे। बच्चा इस तरीके से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें खून दिन रात 24x7 24 घंटे सातों दिन ब्लड आपका बह रहा है। अगर ये खून अंदर ही इस तरीके से किसी दिन जम गया, इस तरीके से क्लोट हो गया, तो आप खुद सोचो बच्चा, इस धमनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट की नसों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, नस फट जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। तो हमारे खून को दौड़ने में कौन हेल्प करता है, मतलब कौन है जो हमारे खून का अंदर ही क्लोटिंग नहीं होने देगा, जो हमारे रक्त का थक्का नहीं जमने देगा? वो होता है बच्चा हैपरीन। कहां पर गया? हैपरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ हैपरीन, हैपरीन जो होता है इसकी वजह से आपकी नसों में खून दौड़ रहा है। ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड का क्लोट नहीं जमने देता है, नहीं जमने देता है। अब ये हैपरीन कहां से आया? तो हैपरीन बनाता है लीवर और एक टाइप की WBC होती है जिन्हें बोलते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स और लीवर दोनों आपके बॉडी में हैपरीन बना के डाल रहे हैं, जिससे आपका खून दौड़ रहा है, कभी जम नहीं रहा है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द कॉन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर ऑफ, जो हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा है? भाई हीलियम को कैसे लिखते हो? 2He4 ऐसे ही लिखते होंगे शायद, आपने ऐसे ही लिखते हो हीलियम को। बताओ हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब यहां पर देखो लिथियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है। लिथियम का पृथ्वी में 3 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं, लेकिन लिथियम पे चार्ज कैसा है, आवेश कैसा लगा हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। लिथियम के पास 3 थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 ही बचे। अब लिथियम देखो किसके जैसा है, हीलियम के जैसा है कि नहीं है? यहां भी 2 प्रोटॉन, यहां भी 2 प्रोटॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपका हीलियम किसके जैसा हो गया? Li पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव के जैसा हो गया, लिथियम पॉजिटिव के जैसा हो गया। सही चल रहा है? जिस बच्चे ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपको मिलान करना है, मैच करना है, मिलान करना है, तो कर दीजिए जरा मिलान, कीजिए। किस तरीके से मिलान होगा आपका, फटाक से मिलान कीजिए। सुनो बच्चा, मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। पहला है म्यूकर। कोरोना के समय एक और बीमारी आई थी, कौन सी बीमारी आई थी? वो फफूंद वाली है ना, जिसमें फेस गोल्डन कलर का हो जा रहा था, वो किसकी वजह से? म्यूकर फंगस की वजह से। तो म्यूकर क्या है? म्यूकर एक फंगस है। तो भाई बी को 3 से मिला दो, तो बी में 3, यही तो ऑप्शन है, ये लो, एक में ही है बी में 3, तो आप वैसे ठीक कर देते, लेकिन चलो थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। एनाबिना, नोस्टोक एनाबिना क्या होता है? एक शैवाल होती है, एक शैवाल होती है नोस्टोक एनाबिना, और जो शैवाल होती है उनके अंदर क्या होता है बच्चा? ऐसी शैवाले या ऐसे बैक्टीरिया जो हरे रंग के होते हैं, उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो ये हो गया, इससे मिला दो। स्यूडोमोनास एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इफेड्रा एक प्लांट होता है, कैसा? जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, जिसके ऊपर फल और फूल नहीं लगते हैं, उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये लो, कैसे कर देते? देखो बच्चा, एनाबिना नोस्टोक एनाबिना एक टाइप का शैवाल होता है, एल्गी होता है, ऐसा एल्गी जिसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। आप नेक्स्ट सुनोगे, म्यूकर एक टाइप का फंगस, एक कवक होता है। नेक्स्ट, स्यूडोमोनास एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। इफेड्रा एक टाइप का जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, आपका आंसर बोर्ड पे है, ठीक है, आपका आंसर बोर्ड पे है, आप सही कर सकते हो, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मिक्स्ड विद ऑक्सीजन दैट इज गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टेड रेस्पिरेशन। अगर किसी इंसान को अस्थमा है, किसी इंसान को प्रॉपर सांस लेने में दिक्कत है, तो उसके अस्थमा वाले इनहेलर में, आजकल तो बहुत एडवांस इनहेलर आ गया, कैप्सूल डालो खटोती हो जाता है ना, जो पुराने वाले इनहेलर थे
उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती थी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप सब जानते हैं जब आप पहाड़ों पे जाते हो या आप समुद्र की गहराई में जाते हो तो ऑक्सीजन के साथ हम कौन सी गैस को मिक्स करके लेके जाते हैं, हम हीलियम गैस को मिक्स करके लेके जाते हैं। हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिक्सर तैयार करते हैं, अप्रोक्स 85% ऑक्सीजन 15% हीलियम, और इस मिक्सर को कहा जाता है हीलियोक्स। इस मिक्सर को कहा जाता है हीलियोक्स, ये नोट डाउन कर लेना, हीलियोक्स, ऑक्सीजन का ऑक्स, हीलियम का हीलियो। तो हीलियोक्स मिक्सर वो है जो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए अस्थमा पेशेंट को या स्कूबा डाइवर्स होते हैं या जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनको ले जाकर देते हैं हम। ठीक है बच्चा, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम 100% ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई 100% ऑक्सीजन लोगे जल जाओगे। हम कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं? हम सिर्फ 21% ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, विच केमिकल थ्योरी प्रपोजेस द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या शानदार क्वेश्चन है, कल भी क्लास होगा लेकिन कल जितने बच्चे हो मुझे उसके दुगने बच्चे चाहिए। सब लोग शेयर करके आना कल की क्लास को, और आज बच्चे देख रहे हैं अप्रोक्स 1250, कल मुझे 2400 बच्चे चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, जोड़े जोड़ो जोड़ो जोड़ो, है ना, बच्चों को जोड़ो बच्चों को जोड़ो, आगे आप समझ ही गए होंगे ना। तो कल आप लोग शेयर करके आना, एक बच्चा अपने दो दोस्तों को शेयर करेगा, है ना, वो बिजनेस नहीं है कि एक के आप अपने नीचे तीन लोगों को जोड़ोगे, वो तीन लोगों को, है ना, ऐसे आप लोगों को कल दो बच्चों को लेके आना अपने साथ। तो कल भी शानदार क्वेश्चन करवाऊंगी, कल मुझे कम से कम 2500 बच्चे चाहिए यहाँ पे। हो गया चलो अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखो ध्यान से सुनना बच्चा। आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस आती है? CO2। कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, बिल्कुल होता है, CO2 प्लस H2O, और तो बन गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आप चाहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड रहे, चाहते हैं ऐसा, है ना, फर्मेंटेशन के लिए रहे, बिल्कुल रहे। तो बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर हाई प्रेशर लगाना होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना उतना ज्यादा ये यहाँ पर बैलेंस रहेगी ये रिएक्शन, तो उतना ही ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल रहेगा। जितने हाई प्रेशर जब लगाते हो तो किसी भी लिक्विड के अंदर गैस बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाती है और वो सोल्यूबल रहती है। प्रेशर कम लगाते हो तो वो सोल्यूबल कम होती है। ये थ्योरी किसने कही थी? हेनरी जी ने कहा था किसी भी बोतल के अंदर अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड रखना है तो उस बोतल को हाई प्रेशर दे दो, उच्च दाब दे दो, नहीं तो ये CO2 ढंग से सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, ये CO2 ढंग से घुल नहीं पाएगा। ये बात हेनरी जी ने कही थी। किसने कही थी? हेनरी का सिद्धांत कहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा इधर चलती हूं मैं, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? भाई किसी वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का किसी दूसरे एलिमेंट के आउटर शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड करने की जो कैपेसिटी है, ये जो आपस में जुड़ने की जो क्षमता है उसे वैलेंसी यानी संयोजकता कहा जाता है। और संयोजकता किस पे निर्भर करता है? तो कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उस पे डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी, 3 है तो +3, 4 है तो +4, 5 है तो -3, 6 है तो -2, 7 है तो -1, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होते ही तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, स्थाई हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता है, वो कंबाइन नहीं करता है, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है एलिमेंट। तो याद रखिएगा बच्चा कि जो वैलेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है यहाँ पर, ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डिस्कार्डेड नहीं हो सकता, ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेप्टेड नो, ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी शेयर्ड, ओ फोर्थ तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा शायद ना। मैं देखती नहीं हूँ क्लास से पहले क्वेश्चन, बहुत गंदी आदत है, कल से देखना शुरू करूंगी कि टाइपिंग में एरर भी तो नहीं है कहीं, मैं ऐसे उठा के पीपीटी लगा के पढ़ाने लग जाती हूँ ना।
तो बच्चा कोई भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी किस पर डिपेंड करेगी, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर शेल में होते हैं, जो बाहरी कक्षा में होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। आइसोटोप्स हैव सिमिलर समस्थानिकों में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उनकी सिमिलर होती है। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या चीज सेम होता है। आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट के जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है, जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उनको आइसोटोप्स और समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 1H1 प्रोटियम, 1S2 ड्यूटेरियम, 1S3 ट्रिटियम। अब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, आप सब जानते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हम नाम भी दे सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बच्चा देखो, ये एक किसको बताता है, प्रोटोन की संख्या को। तो प्रोटियम में भी एक प्रोटोन है, इसमें भी एक प्रोटोन है, इसमें भी एक प्रोटोन है। अब कोई चार्ज नहीं है, जब किसी एटम पे चार्ज नहीं होता है वो उदासीन होता है, तो जितने प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन मैंने कम ज्यादा कर दिया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी। जैसे सुनो, क्लोरीन कितने पे होता है, 2, 8, 7। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 है, इसे एक से ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। आर्गन में कितने होते हैं, 2, 8, 8। भाई ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। सोडियम में कैसे होता है, 2 और 8, 1, 10। सोडियम में कैसे होता है, 2, 8, 1। तो भाई आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड कर रही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं ये बात 50 से ज्यादा बार बता चुकी हूँ कि किसी भी एलिमेंट की रासायनिक गुण होते हैं ना, वो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करते हैं, कितने कोर इलेक्ट्रॉन है, कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, इन तीनों में तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो भाई आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। याद रखिएगा, आइसोटोप्स समस्थानिकों के रासायनिक गुण सेम होते हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, उसकी स्टेट अलग हो सकती है, डजंट मैटर, है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या सेम होते हैं, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए रासायनिक गुण हमेशा एक जैसे होते हैं समस्थानिकों के। अच्छे से चुपके से बता रही हूँ, कॉपी में लिख लेना ये बात। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। कुछ लोग देख के न्यूमेरिकल को देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, करना है। चलो, क्या कह रहे हैं, हाउ मच हीट इन जूल्स, ठीक है, विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ 800 रेजिस्टेंस फॉर 40 सेकेंड्स। एक वायर है भाई, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, कुछ ना कुछ तो होगा। आपने इसमें से धारा प्रवाहित कर रखी है, तो जब जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो वहां से हीट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आपने किसी आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध वाले वायर में कुछ भी धारा प्रवाहित करी है, कुछ भी आपने करंट फ्लो करा है, तो हीट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, हीट का फॉर्मूला होता है I square RT। अब बच्चा, आई स्क्वायर, आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0.2। अब 0.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.2 को मैं लिख सकती हूँ 2/10 लिख सकती हूँ, 2/10 लिख सकती हूँ। तो आप यहां से इसको सॉल्व कर लो, आई स्क्वायर आर टी को, तो 2/10 × 2/10, दो बार लिखोगे ना, स्क्वायर है ना। आर कितना दिया है बच्चा, आर कहाँ गया, आर दिया है आपसे यहां पर 800 आर हो गया, और टी कितना है, 40 सेकेंड। सॉल्व कर लो, 1 0 1 0, 2 2 4 4 8, 32 × 40 करोगे तो अप्रोक्स कितना आना चाहिए, इसके लमसम आना चाहिए क्या, 1280 आना चाहिए। अब इससे ज्यादा मुझे गणित नहीं आती है, ठीक है, इतनी गणित आती है मेरी, इतनी बस की है, 1280। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन पक्का आता है रेलवे वगैरह में, तो कोई न्यूमेरिकल है ये, इसको देख के क्या घबराना है भाई, कोई वायर है उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना आसान है, मुझे नहीं आती इतनी फिजिक्स, मुझे भी आ रहा है ना, तो आ रहे हैं, उसमें आपने धारा प्रवाहित कर रखी है तो हीट तो बनेगी ना, हीट बनाने का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, 11वीं क्लास में पढ़ा था। आप 0.2 को 2/10 कर दो, स्क्वायर कर दो, आर दिया हुआ, टी दिया हुआ, करना क्या है, सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ, क्या कह रहे हैं, सीमेंस किसका मात्रक है, सीमेंस किसका यूनिट होता है? हाँ जी, सीमेंस किसका यूनिट होता है? अच्छा क्वेश्चन। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर दीजिए। केमिस्ट्री के फॉर्मूलों की क्लास ऑलरेडी मेरी दो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सर्च कर लेना काजल मैम फॉर्मूला क्लास, सबसे ऊपर ही मेरा आएगा, सबसे ऊपर ही मेरा आएगा, सर्च कर लेना। और आप कहो तो दोनों वापस से डलवा दूंगी कल परसों की डेट में, अगर आप ऐसा कहते हो तो। हाँ जी, सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है सीमेंस किसका मात्रक है? आप जानते हैं सीमेंस होता है चालकत्व का, चालकत्व है, अरे चालकत्व है कैसे बोलेंगे, चलो कंडक्टेंस इंग्लिश में पढ़ लो, कंडक्टेंस का जो ऐसा ही यूनिट होता है वो होता है सीमेंस। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं उसका ऐसा ही यूनिट क्या होता है? दो तो मैं याद करवा जाऊंगी आपको आज की क्लास में, दो तो याद करवा जाऊंगी, वोबर नहीं वेबर, एक लिख रहा वोबर, वेबर होता है, वेबर, ठीक है वेबर। और जो कंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला, उसका ऐसा यूनिट होता है सीमेंस, सीमेंस, ठीक है। चलो फिर तो ये आज की क्लास में देखो, जब क्लास खत्म होने लगी तो यहाँ पर बच्चा 1500 हो गया, कल सभी बच्चे आ जाना 9 बजे, ठीक 9 बजे, कल भी आ जाना, कल भी क्लास लूंगी 9 बजे। और जितने बच्चे आज देख रहे हैं, आज 1500 हो गए, कल 3000 बच्चे होने चाहिए यहाँ पे। आपका दायित्व है शेयर करके आना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मेरा काम है पढ़ाना कैसे वो मेरे पे छोड़ दो, हो गया। चलो अब ये तो हो गए आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, लेकिन बच्चा हर चीज ऑप्शन से नहीं पढ़ने वाली होती है, इसलिए मैं आज 5-6 क्वेश्चन वन लाइनर भी लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग इस तरीके से भी पढ़ो, आपको इस तरीके से भी याद हो ना, आपके कराओगे ना शेयर, अभी जाना नहीं क्लास तो अभी बची हुई है। ये तो हो गई बच्चा ऑप्शन को देख के तुक्का भी मारने वाली चीजें, अब मारो तुक्का। कह रहे आर्टिफिशियल हार्ट नेम, पहला आर्टिफिशियल हार्ट बना था, पहला आर्टिफिशियल पेसमेकर बना था, उसका नाम क्या रखा गया? यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप खुद सोचो, डायरेक्ट नहीं पूछा था, किसी स्टेटमेंट में दिया हुआ था यूपीएससी में, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से। पीडीएफ मिलेगा बच्चा, पीडीएफ मिलेगा आपको साइंस बाय काजल मैम, मेरा टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ, क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी। या आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बैच है मेरिट बैच, उस बैच में फ्री पीडीएफ है, आप उस वहां से ले लो, टेलीग्राम पे मिले ना मिले इतना सारा मैटर होता है। तो एक आपको रेलवे वाली कैटेगरी में जाओगे वहां मेरिट बैच मिलेगा, उसमें आप बायो में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो आर्टिफिशियल हार्ट बना था उसका नाम क्या रखा गया था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो बच्चा उसका नाम रखा गया था जेरोविक 7। क्या नाम रखा गया था? जेरोविक 7 नाम रखा गया था, लिख लीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं पता है, पहला कृत्रिम हार्ट जेरोविक 7 नाम से रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइल ग्रीन कलर इज ड्यू टू, बाइल जूस जो पित्त रस होता है वो हरे रंग का होता है, क्यों? क्योंकि हमारे लीवर से बाइल जूस बनता है, और लीवर से ही एक कलर का पिगमेंट बनता है, और कौन सा? बिलीवर्डिन पिगमेंट बनता है। कौन सा पिगमेंट बच्चा? बिलीवर्डिन पिगमेंट। और ये पिगमेंट क्या करता है? ये बाइल जूस को, पित्त रस को हरा रंग देता है। इसीलिए जब कभी भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाता है, लीवर खराब होता है, पीलिया वगैरह, जॉइंडिस वगैरह होता है, तो आपको पोटी हरी भी आ सकती है, ठीक है। चलो अब मैं, आप सोच रही मैम कैसी बातें कर रहे हैं, पोटी की बातें कर रहे हैं, कौन सी नई बात कर रहे हैं, है? कौन सी नई बात है क्या जो पहली बार सुनी है आपने? तो याद रखिएगा जो बाइल जूस है वो हरे रंग का किसकी वजह से होता है? बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। और यहीं पर बाइल जूस आपके लीवर में दो कलर के पिगमेंट बनाता है, एक बाइल जूस वाला और एक बनाता है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन होता है पीले रंग का, और ये किसे देता है पीला रंग? प्लाज्मा को देता है। तो हमारे लीवर द्वारा दो कलर के पिगमेंट बनाए गए, पीले वाला बिलीरुबिन, हरे वाला बिलीवर्डिन, हरा रंग दिया बाइल जूस को, पीला रंग दिया प्लाज्मा को। अगर ये बिलीरुबिन ज्यादा हो जाएगा आपको पीलिया हो जाएगा,
आपको जॉइंटिस हो जाएगा, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो जाओगे। तो जब कभी भी आपको जॉइंटिस जैसी खतरनाक बीमारी होती है तो आपके नाखून पीली हो जाते हैं, आंख पीली हो जाती है, स्किन पीली पड़ने लग जाती है, क्योंकि आपका लीवर क्या बना रहा है, आपका लीवर बना रहा है आपका बिलीरुबिन ज्यादा बना रहा है। आओ अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सीक्रेटेड बाय, बाइल कौन बनाता है, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। बाइल लीवर बनाता है और बाइल का पीएच वैल्यू याद रखिएगा 7.5 से 7.8 के बीच में हो सकता है, या कभी कभी 7.5 से 8.5। इसका मतलब किस नेचर का होता है बाइल जूस, बाइल जूस एल्केलाइन क्षारीय प्रकृति का होता है, ये तो याद कर लो, ये तो रट्टा लगा लो। बाइल बनाया किसने, लीवर ने। बाइल जाके स्टोर कहाँ होता है, पित्त की थैली में, जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्त की थैली में आपका बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या करता है बाइल जूस, फैट का इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन ऑफ फैट, वसाओं के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, स्टोर्ड विटामिन इन लीवर फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए कौन सा विटामिन हमारे लीवर में स्टोर हो सकता है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक विटामिन होते हैं कौन सा, एक विटामिन होते हैं जिसे बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जो हमारे शरीर में जाके वसा में घुल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब फैट में घुल जाते हैं। दूसरे विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील, कौन कौन सा, विटामिन बी, विटामिन सी। पानी वाले विटामिन स्टोर नहीं होते हैं, क्योंकि पानी आप पेशाब करते हैं तो उसमें पानी जाता है ना बाहर, तो पेशाब में आपका विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है, ये पानी की फॉर्म में पेशाब से बाहर निकल जाते हैं। बाकी ये चारों विटामिन स्टोर हो सकते हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा विटामिन किस कौन सा स्टोर होता है, विटामिन ए। लीवर सबसे ज्यादा स्टोर करता है विटामिन ए को। तो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे लीवर के पास कौन सा विटामिन ज्यादा मात्रा में स्टोर रहता है, तो आप बताओगे विटामिन ए। आपसे विटामिन से 5 क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कौन कौन सा बच्चा है होशियार बालक जो मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएगा। 5 क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे, अगर आपने 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए ना, मैं मानूंगी आपका विटामिन वाला चैप्टर बहुत सही है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा बोर्ड पर, बहुत ध्यान से सुनना, परनीसियस अनेमिया, और मैं नहीं बताऊंगी इनके आंसर, परनीसियस अनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। चलो लिख दो, परनीसियस अनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, परनीसियस अनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, आंसर कर दो फटाक से। दूसरा विटामिन से मेरा क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी टू का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन डी टू का रासायनिक नाम क्या होता है। मुझे पता है विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, मुझे बता दो विटामिन डी टू और डी थ्री को क्या बोलते हैं केमिकली। तो परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, दूसरा क्वेश्चन विटामिन डी टू का रासायनिक नाम क्या है। मैंने डी का नहीं पूछा है, मैंने डी टू का पूछा है। ठीक है बच्चा, अगला बताओ, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, वो कौन सी विटामिन है जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। अब आप बोलोगे ओ मैम हमने तो सुने ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन, हमने तो पढ़ा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। जमाना गया, वो बीत गया वो जमाना जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, अब नहीं आ पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दो आप, किस विटामिन की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है, तनाव में जा सकते हो आप। किस विटामिन की कमी से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। अगर आप ये 5 क्वेश्चन जानते हैं तो मैं ये मानूंगी कि आपका विटामिन वाला चैप्टर बहुत सही है। अगर नहीं जानते हैं तो भाई जान लीजिए, अब कब जानोगे, 40 दिन भी नहीं बचे हैं, फिर कब जानोगे। करो सबके आंसर, मैं करूं नहीं कर पा रहे हो, देखूं एक बार कमेंट कौन कौन सा कर पा रहा है। अरे विटामिन डी टू वाला तो बता देते कम से कम, विटामिन डी टू वाला तो बता देते, ये तो बहुत आसान था। चलो मैम पटना में बारिश हो रही है तो हमारे यहां भी हो रही है, क्या करें बताओ, नहा लें क्या।
नहा लो बारिश में जाके, आओ सुनो। अच्छा बता दो चलो, बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन होता है? जब आपने इतना ही बोला है तो एक क्वेश्चन और आ गया, ये पटना वाले बच्चे के लिए है। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बारिश के पानी में कौन सा विटामिन होता है? बिल्कुल होता है, आरएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं करूं फिर सबका स्टार्ट, नहीं बता पा रहे, चलो आओ देखो। परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट D2 का केमिकल नेम होता है इरिगोकैल्सिफेरॉल, इरिगोकैल्सिफेरॉल ये होता है विटामिन D2 का केमिकल नेम। विटामिन D3 को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। कोबाल्ट किस विटामिन में? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोतियाबिंद कैटरेक्ट किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से कैटरेक्ट हो सकता है। डिप्रेशन विटामिन B6 की कमी से आप तनाव में जा सकते हैं, आपके किडनी में स्टोन हो सकता है, आपको हल्का फुल्का माइल्ड एनीमिया हो सकता है विटामिन B6 की कमी से। अब बताओ पढ़ रखे थे ये सारे क्वेश्चन? हाँ जी पढ़ रखे थे, अगर नहीं पढ़ रखे थे तो फिर क्या कर सकते हैं? आपने पढ़ रखा होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। बच्चों यकीन करो मेरे पे, मैं आपकी टीचर हूँ, आपका बुरा कभी नहीं चाहूंगी, है ना। मैं तो अपने बच्चों छोड़ो, मैं तो दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचती कभी। वो जमाना अब नहीं है बच्चा, आप 2018 के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, आपके दिमाग से धुआं निकल जाएगा, सीजलर बन जाएगा आपका दिमाग, इसलिए कह रही हूं मैं, ठीक है। चलो आइए फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइल हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ, बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये तो मैम ने थोड़ी देर पढ़ाया था कि बाइल जूस किस नेचर का होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा, 14 से नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बच्चा इसका पीएच वैल्यू अप्रोक्स 7.5 से 8.5 के बीच का होता है। अब मैं आज की क्लास में आपको बता के जाती हूँ किस किस का पीएच वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है। चलो सुनो, किस किस का पीएच वैल्यू याद करोगे? अब मैं नहीं बताऊंगी, पिछली बार मैंने बताया, इस बार मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो एक तो आंसुओं का पीएच वैल्यू याद करो, फिर लेमन जूस का या लेमन का, मैं लेमन को आम बोलने वाली थी, नींबू का पीएच वैल्यू याद करो। उसके बाद याद करो बच्चा पेनक्रियाटिक जूस का। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है? अग्नाशय रस, अग्नाशय से बनने वाला रस, इसका पीएच वैल्यू याद करो। बाइल जूस का पीएच वैल्यू याद करो, ठीक है, पित्तरस बोलेंगे इसको हिंदी में। इसके बाद आप याद करो बच्चा सैलिवा, लार का पीएच वैल्यू याद करो बच्चा। इसके अलावा आप किसका पीएच वैल्यू? दूध का, मिल्क का पीएच वैल्यू याद करो। यूरिन का, पेशाब का पीएच वैल्यू याद करो। और कौन सा बच गया बच्चों? और कौन सा बच गया? और ये हो गया जैसे ना एसिटिक एसिड का, ये तो लोग तो ये तो वैसे भी वीक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड का पीएच वैल्यू याद कर लो। बियर, अच्छा मैम इसका तो कर लेंगे हम, है ना, बियर का हो गया। और एक कर लो एसिड रेन का पीएच वैल्यू, एसिड रेन का पीएच वैल्यू एक मैं बता देती हूँ, हमेशा ऑप्शन लेकर चलना लेस देन 5.5, 5.5 से कम वाला, ठीक है, या वो नहीं है तो 5.5 है तो उसको सही कर देना, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? सी वाटर, समुद्र के पानी का पीएच वैल्यू याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा कॉफी का पीएच वैल्यू याद कर लो। ये कुछ पीएच वैल्यू है जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो कमेंट आ रहे, सब बच्चों ने याद करके छोड़ रखे हैं, है ना मैम। धुआं धुआं करते हैं, धुआं धुआं कैसे करूं? धुआं 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 करने के लिए स्मोक बॉम्ब चाहिए। स्मोक बॉम्ब किसके बनते हैं? चलो एक क्वेश्चन और आ गया, मैं तो आप लोगों की आवाज से क्वेश्चन बना लेती हूँ, आप लोगों के कमेंट से क्वेश्चन बना लेती हूँ। तो एक बच्चा है जिसका नाम है मदोदरी, वो कह रहे मैम धुआं धुआं करते हैं, तो धुआं करने के लिए दो चीज चाहिए, या तो धुआं किससे करोगे आप? ये सारे पीएच वैल्यू याद कर लेना, ठीक है, रिमाइंड वो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए, धूम्रपट बनाने के लिए, आपने मूवी में देखा होगा ना, हाँ धुआं सा आ रहा है, बीच में से हीरो की एंट्री हो रही है एकदम हीरो स्टाइल में, है ना, सलमान खान जैसे, है ना, वो जो भी कोई हीरो है, सलमान खान तो खैर अब मुझे पसंद नहीं है, एक जमाने में पसंद हुआ करता था, अब मुझे कोई बॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये केस हुआ है और ये थोड़े से नेपोटिज्म वाली चीजें देखी, और मेरा बॉलीवुड से विश्वास उठ गया, मैं मूवी नहीं देखती अब, है ना। तो धुआं हुआ होता है जब मूवीज के अंदर सीन बनाते हैं, जिसे धूम्रपट सीन कहते हैं,
उसे बनाने के लिए क्या चाहिए? वो जब बनता है बच्चा फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस से बनता है। और कौन सा फॉस्फोरस? ये तो होशियार बालक बता देंगे। फॉस्फोरस भी तीन टाइप का होता है। एक लाल फॉस्फोरस होता है माचिस की तिल्ली वाला, एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है, एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है। और व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला भी होता है जो एग्जाम में आता है। और व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। और इसी के बनते हैं स्मोक बॉम्ब। तो ये जो मूवी के अंदर जो धुएं वाला सीन बनता है ना, या ये सीन बनता है कहां पर? हमारे जवान भाई, सैनिक भाई सीमा पर यूज करते हैं। अगर कोई आतंकवादी घुस आया तो उसके ऊपर ऐसा स्मोक बम फेंक देंगे, जिससे क्या होगा कि उसका जो विजन है ना, उसकी जो देखने की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी आंखों में इचिंग होगी। इतने में उसके ऊपर अटैक करके उसको पकड़ लेते हैं दुश्मन को, है ना। एक होते हैं, आप गए होंगे कभी रेस्टोरेंट क्लब बार में, तो वहां पर डीजे के आगे ऑर्केस्ट्रा के आगे धुआं चलता रहता है ना, स्मोक बम वाली गन्स होती हैं, उनसे उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, है ना, वो उससे निकलता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये किसी बच्चे की क्लास से मैंने क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है। मैम जी आप पूरी क्लास नोट बनी है, नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार, नोट्स बनाने भी पड़ेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा है बच्चा, ठीक है। मैम ब्राइटनेस कम कर दो, ठीक है टेक्निकल टीम भाई, कल की क्लास में ब्राइटनेस कम कर दीजिए। और बताओ मैम खोपड़ी में सेव हो गया, चलो एक बच्चा खोपड़ी से आया तो मुझे जरा आंसर कर दो, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? देखो खोपड़ी का मतलब होता है स्कल, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? मान लो एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, कितनी हड्डियां होती हैं? एक बच्चा कह रहा है मेरे खोपड़ी में मैम पढ़ाया हुआ सारा स्टोर हो गया आपका, तो पता होना चाहिए ना फिर खोपड़ी के बारे में। चलो फटाक से देखो, पहली बात तो खोपड़ी ये नहीं होती है, एक क्रैनियम होता है, एक कपाल होता है। खोपड़ी यहां तक का पार्ट, ये जो गले वाली हड्डी होती है ये भी काउंट होती है। खोपड़ी की हड्डियां कैसे काउंट करेंगे, सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहली क्रैनियल बोन्स, क्रैनियल का मतलब हो गया कपाल की, ये जो आपका इतना हार्ड सा बना है ना, इसे जैसे आप खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी तो ये यहां तक का पूरा, इसे खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा इसमें होती है 8 हड्डी, ठीक है, कपाल में पूछे तो 8 हड्डी, खोपड़ी में पूछे तो 29 करनी है टोटल। आप 29 में 8 तो ये होगी। अब आओ कान में, एक कान में 3 तो दोनों में 6 हो जाएंगी, एक कान में 3 है तो दोनों में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है मैम। अब आपके चेहरे पे फेस पे कितनी होती है, ये नाक वाली वॉमर, ये आपका मैक्सिलरी बोन, ये मैंडिबल, ये सारी आपकी ठुड्डी वाली, ये गाल वाली, ये सारी फेस पर होती है आपकी, फेसियल बोन होती है कितनी, 14। और एक गले में ये वाला गले की हड्डी बना हुआ है, इसका मतलब हायोड बोन बना हुआ है, एक गले में ये हो गया। अब इनको काउंट करोगे तो 15 और 6 कितनी होगी, 15 और 6 21, 21 और 8 29। तो खोपड़ी वाला ऑप्शन में हमेशा 29 आंसर होगा। कभी कभी हाथ की हड्डी का नाम देते हैं, बोलता है ये स्कल का पार्ट है या नहीं, ये खोपड़ी की हड्डियों का पार्ट है या नहीं, तो नहीं है, हाथ पांव की हड्डी नहीं आती है। खोपड़ी का मतलब इतना, क्रैनियम का मतलब इतना, फेस का मतलब इतना, कान का मतलब इतना, गले की हड्डी ये वाली, ये हायोड बोन, ये हायोड बोन, ठीक है। तो खोपड़ी के अंदर 29 बोन्स होती हैं, शायद आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी बात पर एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और बच्चा आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, कवकों के बारे में अध्ययन करना, स्टडी से रेलवे एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। आप लोग बोलोगे मैम आपको कैसे पता, ये ना एक्सपीरियंस लगाता है, मुझे नहीं, जो टीचर 5-7 साल से पढ़ा रहे होंगे, जो प्रीवियस उठा के देख रहे होंगे, उन सबको पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेक्शन से मालूम है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ फंगस, कवक के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ फंगस को कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अगर सी लगा दोगे तो कवकों के बारे में अध्ययन करना, और अगर सी नहीं लगाया है तो मायोलॉजी बन जाता है। और मायोलॉजी किसकी स्टडी होती है? मसल्स की, मांसपेशियों की स्टडी होती है, मांसपेशियों की स्टडी होती है। अब मेरे आज के लास्ट 2 क्वेश्चन बता जाओ, छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है भूख भूख लगी होगी आपको भी और मुझे भी लगी है भूख, है ना। फटक से 2 क्वेश्चन मेरे बता के भाग जाओ। मेरे को बता दो कि कौन सा फंगस है जो कि अल्कोहल बनाने में काम में आता है, कौन सा फंगस है, वो कौन सा कवक है जो शराब बनाने में काम आता है, जो किण्वन की प्रोसेस में, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में काम आता है,
फर्मेंटेशन क्या होता है? शराब जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। तब मैं जो फटाक से क्वेश्चन का आंसर कर दो, आने लग गया क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा कवक है जो शराब बनाने में काम आता है, तो बच्चा उस कवक का नाम है ईस्ट, इसे बोलते हैं खमीर, खमीर। तो एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है, यहां से जो हमारी मसल्स होती हैं, ये इससे निकाला है मैंने क्वेश्चन, ये मैंने इससे निकाला है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। ये सुना होगा लाल मांस की दुकान, है ना? तो बच्चा मसल्स होती हैं वो लाल होती हैं, तो मसल्स लाल किस पिगमेंट की वजह से होती है? मांस लाल होता है, मांस कभी ऐसा थोड़ी होता है, काला थोड़ी होता है मांस, है ना? तो मांसपेशियों का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से मांसपेशियों का लाल रंग होता है? जैसे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, वैसे मसल्स का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कैसे हो सकता है? हीमोग्लोबिन खून में होता है, हीमोग्लोबिन खून में होता है, खून को लाल रंग देता है। प्लीज, आरबीसी, आरबीसी खून में होती है, मसल्स की पूछ रही हूं मैं, तुम लोग यार सुधर जाओ ना। कल होगी क्लास, बिल्कुल होगी, 9 बजे ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगे, कल भी बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स सब मिक्स। नहीं बता पा रहे, मायोग्लोबिन लिख लो, मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है, मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, अब ये देखो आज की क्लास कितनी शानदार क्लास है, बहुत दिनों बाद मुझे ही पढ़ा के बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चंस ना, बहुत दिनों बाद बढ़िया तरीके से कितने मस्त मस्त मैं क्वेश्चन लेकर आई। और सुनो, हाँ हाँ हाँ, कल सुबह 10 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, कल सुबह 10 बजे फिजिक्स की क्लास होगी न्यूमेरिकल की। बहुत बच्चों को लगता है न्यूमेरिकल, 2 से 3 न्यूमेरिकल पक्का आना है ग्रुप डी में। तो अनुराग सर कल सुबह 10 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास लेंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए सुबह 10 बजे आ जाना, और रात में 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी फिजिक्स होगा और रात में 9 बजे आप मेरे से मिलोगे। मेरा नाम क्या है? कितने बच्चे हैं जो अभी तक मेरा नाम नहीं जानते हैं? ठीक है, नाम जान लेना, रात में 9 बजे मैं आऊंगी। इसके अलावा इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ बना लेना, फिर मत कहना कि मैम पीडीएफ नहीं बना पाए हैं। और पीडीएफ लेना है तो एक बैच है, इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे अभी 2 से 4 दिनों के अंदर। इस बैच का नाम है मेरिट प्रैक्टिस बैच, ग्रुप डी के लिए है, फी 499 है अभी फिलहाल, लेकिन 4 दिन के बाद 999 हो जाएगी, क्योंकि इस बैच के अंदर हमारा टाइपिंग वगैरह का प्रीवियस ईयर का बहुत कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, डीपी सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो डीपी सर की ट्रिक्स के साथ मैथ्स की वीडियोस नहीं देखता होगा, नहीं पढ़ता होगा? नहीं पढ़ रहे हैं ट्रिक्स के साथ तो आपकी बेवकूफी, आपको पढ़ना चाहिए। डीपी सर मैथ्स करवाएंगे, रीजनिंग आरजे गौतम सर, ये मैं हूँ, ये अनुराग सर है, स्टैटिक जी के पिंकी मैम करवाएंगी। मेरिट बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ्यूचर टाइम्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ये हो गई आज की बात, मिलेंगे आपसे कल। पीडीएफ लेना है तो इसी बैच की बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाकर इसका पीडीएफ ले लेना 1 घंटे के बाद, या कल ले लेना यार, अभी तो टेक्निकल टीम कहां से बुलाऊं 10:30 बजे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास वीडियो के नीचे बताना ना भूले, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि कल का आपका नोटिफिकेशन आ जाए, कल नोटिफिकेशन आए ना आए 9 बजे आप आ जाना यहाँ पर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और 17 अगस्त को टारगेट बना लो अपना। ठीक है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए बहुत अपना 100 से 110 गुना देने की कोशिश करूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। भाई बाकी कोई कमेंट है किसी तरीके का, कुछ थ्योरी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना कि मैम ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा दो, आई प्रोमिस पढ़ा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, है ना? पीडीएफ यहाँ से ले लेना, मिल जाएगा, एप्लीकेशन लेने की कोशिश करना, टेलीग्राम पे यार बहुत सारे मैसेज आते हैं, ऊपर चला जाता है तो मालूम नहीं चलता है। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।